हाँ जी नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सीटेट की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही होगी। मात्र 4 दिन शेष रहे हैं आपके पास, 4 क्या 3 ही दिन मानिए। 19 वाला तो कोई दूर सेंटर है, कोई कहीं भी हो, पर 19 तारीख को आपको रवाना होना पड़ेगा। तो एक दिन छोड़ दीजिए, कितने दिन बचे हैं आपके पास। आपके पास मात्र अब 3 दिन शेष बचे हैं। कितने 3 दिन शेष बचे आपके पास। तो 3 दिनों में आप क्या पढ़े, मैं कुछ आपको ऐसे टैग वर्ड या कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा आज की वीडियो में, जिससे कि आपके शिक्षण विधि का, चाहे वो हिंदी की हो, ईवीएस की हो, मैथ की हो, आपकी सेकंड लैंग्वेज को किसी भी हो, तो पैडागोजी के क्वेश्चन आपके क्या होंगे, 90% आप उससे सही कर पाओगे। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उन शब्दों को समझ लीजिए। थ्योरी अब मत पढ़िए, कुछ ट्रिक या कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक जैसे एनसीईआरटी, एनईपी, उन कुछ टॉपिकों को पढ़िए या उनको छोटे छोटे उनकी वीडियो देखिए। थ्योरी अपने आपने नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइजिंग कीजिए। नया कुछ मत पढ़िए, ठीक है। कुछ शब्द बताऊंगा जिसके माध्यम से आप क्या कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलो चलिए बताता हूँ आपको। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कल परसों और 19 तारीख तक आपको सीटेट से के लिए इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो या कोई टैग वर्ड ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों की भी, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पहला अपना नेगेटिव वर्ड। एक तो क्या होता है, आपसे पूछता है कि निम्न में से सही कौन सा है, क्या निम्न में से सही कथन कौन सा है। एक पूछता है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करते हैं, उसमें तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप वो तुक्के वाले ट्रिक तो छोड़ दीजिए एक साइड में। आप क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड देखिए और पॉजिटिव वर्ड देखिए। अगर आपको सकारात्मक पूछा गया है कि बच्चे के हित में कौन सा नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसमें तो आपको नेगेटिव सेलेक्ट करना है। अगर ऐसा पूछा गया हो कि निम्न में से बच्चों को भाषा विकास में महत्वपूर्ण कथन कौन सा है, महत्वपूर्ण विधि जो भी पूछा जाए, उसमें क्या होता है, बच्चे के हित में पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक शब्द होते हैं, सकारात्मक सेंटेंस है, उसको सेलेक्ट करना है बच्चे के हित में। अगर आपको पूछा जाए कि निम्न में से बच्चे के हित में नहीं आया, बच्चे की शिक्षा में, बच्चे के अधिगम में, बच्चे के भाषा विकास में, बच्चे के डेवलपमेंट में, किसी भी चीज में पूछा जाए नकारात्मक, आपको कौन से कहते हैं, नकारात्मक। बच्चे के लिए नकारात्मक नहीं करना कभी भी। अगर बच्चे पूछा गए एस टेप पूछा जाए तो आपको नेगेटिव वर्ड सेलेक्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक होता है आपका निष्क्रिय, जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता। तो क्या होना चाहिए पैडागोजी में या किसी भी शिक्षा में, क्या होगा, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। बच्चा सक्रिय रह के सीखेगा तो सबसे ज्यादा अधिगम कर पाएगा। एक होता है सक्रिय, बच्चा जब भी सीखेगा, जहां भी सीखेगा, जिस वातावरण में रहेगा, तो उसमें अगर बच्चा एक्टिव है तभी बच्चा सबसे अधिक सीख पाएगा। तो अपना ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर आता है अपना पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। शिक्षा के बारे में पूछे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए या फिर आपकी शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, तो इसमें क्या है कि नहीं, ऑप्शन दे दिया, शिक्षा होनी चाहिए प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, तो उसमें दे देगा आप वो ऑप्शन। पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है और बाल केंद्रित होती है। तो आपको होती है पूछा है तो क्या उसमें हुआ कि बाल केंद्रित होती है। अगर पूछे कि निम्न में से समावेशी शिक्षा है, शिक्षा नहीं होती, तो उसमें क्या हुआ, पुस्तक केंद्रित नहीं होती और शिक्षक केंद्रित नहीं होती। आपको अगर नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव पूछे तो आपको पॉजिटिव सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आते हैं बच्चे के विचार, मातृभाषा त्रुटियों को महत्व नहीं देना। अब पूछेंगे कि आप किसी दिल्ली के किसी भी केवीएस में, डीएसएफ स्कूल में आप एक अध्यापक है, अध्यापिका है, वहां पे आप किन बातों को मद्देनजर रखोगे, तो आप क्या उसमें क्या ऑप्शन देगा, बच्चे के विचारों को महत्व नहीं दोगे, मातृभाषा को महत्व नहीं दोगे, त्रुटियों को महत्व नहीं दोगे और लोकतंत्र के प्रजातांत्रिक वातावरण को महत्व दोगे, तो आप क्या करोगे इसमें। अगर आपको पूछा है निम्न में से क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना है, बच्चे के हित में करना है हमेशा, ठीक है, बच्चे के हित में करना है। तो आप क्या करोगे, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण को महत्व दोगे और बच्चे के विचार, मातृभाषा त्रुटियों, इनको महत्व नहीं दोगे, ठीक है, इनको महत्व दोगे आप, ठीक है। ये तो आपके नेगेटिव वर्ड हो गए। अब इसमें क्या दिया है, नया देना, और इसमें पूछ ले कि निम्न में से किसको महत्व दोगे, ये नया हटा के देना, बच्चों के विचारों को महत्व देना है, मातृभाषा को देने, त्रुटियों को भी महत्व देना है, क्योंकि गलतियां बच्चे के सीखने और बच्चे के अधिगम में सहायक होती है। तो आपका ये नया हटा दिया जाए तो ये शब्द भी आपका क्या बन जाएगा, सकारात्मक बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सकारात्मक बन जाएगा, ठीक है। वातावरण कैसा होना चाहिए बच्चे का, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, एक कोई कमाई को लेवल वाला बच्चा है, तो दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए ताकि उनमें
बीच में दबेस्ता ना हो और उनके दिमाग में मानसिकता खराब ना हो, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, दंड सजा समस्या बोझ भय। बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते, सजा नहीं दे सकते, और समस्या बच्चे के सामने हाँ उत्पन्न कर सकते हो समस्या समाधान करने के लिए, पर आप अध्यापक बच्चे के अधिगम में समस्या नहीं बन सकता। और शिक्षा का बोझ ना हो, बच्चे को क्या हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, और भय, बच्चे में ऐसा कोई भय उत्पन्न नहीं करना चाहिए उसको कि किसी टीचर से डर लगने लगे, या किसी सब्जेक्ट से, जैसे मैथ हो गया तो मैथ से काफी बच्चे डरते हैं क्योंकि उनमें एक भय बैठ जाता है कि मैथ तो ऐसा हार्ड सब्जेक्ट है वो नहीं आएगा, साइकोलॉजी इतना हार्ड सब्जेक्ट है वो अपन नहीं समझ पाएंगे, तो उनको भय को दूर करना है। तो ये क्या हो गया आपके नेगेटिव शब्द, समान और लगाओ, बच्चे को समान दो, हर बच्चे को सजा ना दो, डराओ मत और उसको भय उत्पन्न मत करो, तो उसको क्या करो समान दो सभी बच्चों को, समान समान का मतलब होता है आप रिस्पेक्ट समझ लो या फिर समान अवसर, पर यहाँ पे समान का क्या है रिस्पेक्ट दो और लगाओ बच्चों से, एक फ्रेंडली सर्किल बना के जब अध्यापक सिखाएगा तो क्या करेगा बच्चा ज्यादा अच्छा अधिगम करेगा, उसको डरा के धमका के बोझ भय इन सब से कराएगा तो बच्चा नहीं सीखेगा। फिर आता है आपका कठोर, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, निम्न में से पूछ ले, एमसीएफ के अनुसार या आरटी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, जी नहीं, पाठ्यक्रम कभी कठोर नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए ताकि हर बच्चे के समझ में आ सके, कम आईक्यू लेवल वाले के और अधिक आईक्यू लेवल वाले के, तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, वो आपके नेगेटिव, ये आपके पॉजिटिव, ठीक है। तकनीकी शिक्षा कैसे होनी, तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली रटानी चाहिए, नहीं, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली नहीं रटानी चाहिए बच्चों को, दृश्य और श्रव्य सामग्री से बच्चों को अधिक समझ में आता है, उसको जब बच्चे करके, एक तो आप सुन के और एक आप देख के सीखते हो तो उनमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो वैज्ञानिक और शब्दावली बच्चों को रटा कर नहीं कराना चाहिए जबकि दृश्य और श्रव्य सामग्री के माध्यम से समझाना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से समझे। मानक और मानकीकृत निर्धारित नहीं करना चाहिए, एक मानक निर्धारित नहीं करना चाहिए कि 100 नंबर का टेस्ट हो रहा है, अगर आपके 50 से कम आएंगे तो वो बच्चे कोई काम के नहीं है, ऐसे कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं करना चाहिए जिनको बच्चों के दिमाग में कोई दुविधा पैदा हो या बच्चों के दिमाग में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो, ठीक है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विभिन्न विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जैसे व्यवहारिक रूप से बच्चों के सामने बच्चे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उन भाषा में कह रहे हैं जिस भाषा की उनकी मातृभाषा है या उस जगह पे वो भाषा बोली जाती है, ताकि क्या हो भाषा का विभिन्न संदर्भों में व्यवहारिक प्रयोग हो सके, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, लैंगिक असमानता, अगर पूछा जाए कि लैंगिक निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उसमें पूछ रहे लिंग रूढ़िवादिता, लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता, तो क्या होगा, लैंगिक असमानता मतलब असमानता, पुरुषों को ज्यादा महत्व देना और मेल को ज्यादा महत्व देना और फीमेल को कम महत्व देना, ये क्या है आपकी लैंगिक असमानता है, लैंगिक समानता होनी चाहिए कि जहां पे जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, जो लड़की कर सकती है वो लड़का भी कर सकता है, ये होती है आपकी लैंगिक समानता, पर असमानता नहीं होनी चाहिए, अगर ए हट जाए इसमें तो समानता, तो लैंगिक समानता आपको क्या हो जाएगा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, खाली स्लेट कोरी पट्टी, बच्चे को क्या नहीं समझना चाहिए, खाली प्लेट कोरी पट्टी नहीं समझना चाहिए, हाँ होते हैं मगर वो कुछ ना कुछ अपने आप में क्या होते हैं, सब परफेक्ट होते हैं, सब क्या होते हैं अपने आप में परफेक्ट होते हैं, और कुछ ना कुछ जो हमें आता है दूसरे को नहीं, दूसरे का तो तीसरे को नहीं आता, तो कोई भी कोरी कागज है खाली प्लेट नहीं होता, उन्हें कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा है, जैसे है ना कि बच्चे विद्यालय आने से पहले ही क्या होते हैं किसी भाषा से लैस होते हैं, उन्हें मातृभाषा आती हो चाहे कोई भाषा, उन्होंने जो भी सीखी है वो भाषा उन्हें आती है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि भाषा से वो बिल्कुल भी भाषा उन्हें नहीं आती, ठीक है। व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, व्यवहारिक आपके बिहेवियर डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए और उनको क्या होना चाहिए व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए। फिर आता है लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण देना चाहिए बच्चे को ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिले, ठीक है। ये थे आपके आज कुछ टैग वर्ड, और कुछ टैग वर्ड बचे हैं वो करेंगे कल की क्लास में, तो मिलते हैं कल, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो और नए नए वीडियो, नए नए अच्छे से टॉपिक, अच्छे से टैग वर्ड आपको कल लेके आऊंगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ऑल द बेस्ट।